हेलो व्हाट्सअप गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू काव्यांश गेमिंग। सो गाइज यार, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ वन ब्लॉक मैप फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट बेडरॉक एंड जावा एडिशन। जी हाँ गाइज यार, ये वाला मैप सब में अच्छे से काम करेगा क्योंकि इस मैप को बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी खेला हुआ है। वेल गाइज, आपको कई सारे ऐसे मैप देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर काफी सारा ग्लिच होता है। मतलब कि अगर आप लोग ब्लॉक माइन कर रहे होते हो एंड उस टाइम पे आप लोग नीचे गिर जाते हो, जिससे कि आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। बट गाइज यार, इस वाले मैप के अंदर ऐसा कुछ भी ग्लिच आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसे मैंने पर्सनली खुद खेला हुआ है सर्वाइवल में, इसलिए मुझे इसका अच्छा सा एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड गाइज, पर्सनली मेरे को ये मैप काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को भी ये मैप खेलने के लिए दिया जाए। थैंक्स, लव यू। एंड हाँ गाइज, आपको डायरेक्ट मीडिया फायर की लिंक मिलेगी एंड ये लिंक मैंने जहाँ से ली है उनके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शाउट आउट देके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का शाउट आउट जाता है ब्रजेश वाईटी को एंड ब्रजेश वाईटी भाई, कमेंट करने के लिए थैंक्स। एंड हाँ गाइज, अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए ना, तो इस वीडियो पे दबा के कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शाउट आउट मिल जाएगा। तो गाइज, जैसे ही मैप के अंदर अपने कोमल कोमल पैरों को रखोगे, यहाँ पे लिख के आएगा ब्रेक द ब्लॉक अंडर यू, यानी कि अपने नीचे का ब्लॉक तोड़ दो। मतलब अपनी जान की परवाह मत करो, बस तोड़ दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट लेवल 1। इसका मतलब कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के बायोम्स आती जाएंगी, आपको बस यहाँ पे मजदूर बन के खुदाई करते जाना है, ठीक है। बस जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ, तो वैसे आपको तोड़ते जाना है एंड अपने बेस को बड़ा करते जाना है। एंड जैसे जैसे आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं, वैसे अपने टूल्स एंड वेपन्स को अपग्रेड करना है। एंड यहाँ पे काफी देर माइन करने के बाद स्टोन एज शुरू होगा एंड उसके अंदर आपको स्टोन की चीजें देखने को मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, कुछ बंदे पूछ रहे थे कि यहाँ पे एनिमल वगैरह स्पॉन नहीं हो रहे, तो भाई वेट करो, थोड़ा सबर करो, अपने बेस को बड़ा करो, यहाँ पे एनिमल भी स्पॉन होते हैं और एक टाइम आएगा जब यहाँ पे विलेजर भी अपने आप स्पॉन होगा, ठीक है। तो आपको बस खेलते जाना है, अपने बेस को बड़ा करते जाना है एंड जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनसे आपको अपना मतलब अपने आप को अपग्रेड करो यार, यही करना है इस वन ब्लॉक के अंदर, और करना भी क्या है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि इसे अप्लाई कैसे करना है क्योंकि कुछ बंदों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में चले आना, वहां पे मैंने पिन कमेंट करके एक लिंक दी है, तो उसके साथ क्या करना है आपको पता ही, ठीक है। उसके बाद अपना जेड अचीवर ओपन कर लेना या फिर अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है, तुम्हारी मर्जी। एंड उसके बाद आपको अपने डाउनलोड फोल्डर में आ जाना एंड डाउनलोड फोल्डर में आपको वाली फाइल देखने को मिल जाएगी जो फाइल मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल के यहां पे रखी हुई है, ठीक है। ये नाम आप लोग चेक कर लेना एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि नहीं, इसके ऊपर एक बार टैप करना है एंड उसके बाद यहां पे लिखा होगा एक्सट्रैक्ट हियर एंड इसको यहां पे सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना एंड यहां पे लिख के आ गया कॉपी दिस। अब आपको सिंपली इसे कॉपी कर लेना है एंड जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे ऐसे आपको करते आना। आपको एंड्रॉइड में आना है, फिर डाटा के अंदर। देखो ये मैं उन लोगों को एकदम एग्जैक्टली बता रहा हूं जिनको ये सब करना नहीं आता है, ठीक है। जिनको आता है वो तो भैया महारथी हो, तुम लोग अपने आप कर लोगे। तो यहां करने के बाद आपको यहां पे दिखेगा एक फोल्डर com.mojang.minecraft.pe एंड उसके बाद आपको ऐसे ऐसे क्लिक करते आना है एंड यहां पे आने के बाद आपको माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहां पे देखो मैंने यहां पे ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली लाके यहां पे पेस्ट कर देना एंड यहां पे अगर ऐसा कुछ लिख के आए, वैसे आएगा नहीं, तो यहां पे आपको रिप्लेस कर देना, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना एंड ये ऑटोमेटिक थोड़ा टाइम लेगा एंड हो जाएगा। एंड गाइस, जैसे ये कंप्लीट हो जाए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना। तो गाइस, जैसे ही माइनक्राफ्ट ओपन हो जाता है, आपको सिंपली प्ले वाले बटन पे क्लिक करना एंड यहां पे आपको वन ब्लॉक सर्वाइवल करके देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पे टैप कर देना एंड यहां पे अपडेट एंड प्ले करके आएगा, ठीक है। तो इसको अनटिक कर देना एंड अपडेट एंड प्ले कर देना एंड यहां पे आपका जो है वन ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, बस यही प्रोसेस करना था एंड उसके बाद आपको बस खेलना है अपना वन ब्लॉक मैप मजे से, और कोई दिक्कत नहीं है। एंड हां, एक जरूरी काम कर लो, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियोस मैं इस चैनल पे देता रहता हूं एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो आप लोग कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।